हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको टुल्लू पंप मोटर में कनेक्शन करना और कैसे कनेक्शन करें कि वो सीधा ही चले। तो उसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों अंत तक। मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, जानकारी दूंगा अच्छे से कि कैसे मैं कनेक्शन करूंगा कि तीन तार से रनिंग, कामन, स्टार्टिंग जो भी होता है कैसे करें कि कनेक्शन एक ही में हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए आप। हाँ दोस्तों, देखिए मैं इसमें पहले पेपर लगाऊंगा रनिंग स्टार्टिंग को। आप उसके दोनों सतह हैं उसको अलग करूंगा मैं पेपर डाल के, तो देखते रहिए इस वीडियो में। हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरा पेपर लग गया है, थोड़ा लाइट में करेंगे उसको, थोड़े अंधेरे में बना रहे हैं दोस्तों इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये मैं पेपर लगा दिया हूँ। पेपर लगाने के में खूबियाँ ये होना चाहिए दोस्तों कि ये जो पेपर है ये हरा वाला, रनिंग स्टार्टिंग को इससे अलग करना चाहिए। इसमें एक भी तार जो है इस रनिंग स्टार्टिंग में टच नहीं करना चाहिए या आपस में मिलना नहीं चाहिए। इसको बहुत अच्छे ढंग से पेपर को लगाना ही चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा दोस्तों और कैसे सीधा चलेगा तीन तार से मैं बताऊंगा, तो देखते रहिए। हाँ दोस्तों, देखिए मैं स्लिप भी डाल दिया हूँ। सो देखिए स्लिप सारे तार में पड़ गया है। तो देखिए दोस्तों, ये टुल्लू पंप 2800 RPM का है। 2800 RPM दो पोल होता है। देखिए दोस्तों, पोल इसी को कहते हैं जो इसके जो ए रनिंग है, ए रनिंग के सामने एक रनिंग दो, तो और दो इसमें है स्टार्टिंग में। आमने सामने जब अगर कॉयले रहे हैं तो उसको समझ लीजिए दोस्तों 2800 RPM का ही होगा। 2870, 2880 ऐसे ही हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा उसे, प्रिंट उस पर लिखा होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं कनेक्शन करने के लिए दोस्तों पहले इस वायर को जो है फोल्ड करके इसको जलाया जाएगा, या वैसे ही देख लीजिए मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, पहले इसमें एक एक ठे वो डाल दिया जाए। हाँ दोस्तों, देखिए मैं कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस वायर को पकड़ रहा हूँ रनिंग का, चाहे इसको पकड़िए, देखिए यहाँ सप्लाई अगर दे रहे हैं यहाँ पे, मैं दोस्तों डायग्राम बना के समझाया भी था आपको इस वीडियो में, नीचे एक वीडियो मतलब डाले हैं पहले ही, उसमें डायग्राम बना के समझाए हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल में देख लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ सप्लाई अगर देंगे तो इसके, देखिए दोस्तों ये तार है जो ये वाला रनिंग का ही, इसको हटाया जाए। देखिए दोस्तों, ये रनिंग का ही एक तार, तो देखिए ये हो गया। तो यहाँ से जो दोस्तों सप्लाई देंगे तो यहाँ पर आएगा, तो यहीं से भी काउंट किया जाता है। या ऐसे करिए दोस्तों, देखिए यहाँ है ये इस सिरे पर और दूसरा जो ये वाला है वैसे कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए यहाँ से, देखिए ये रनिंग है, इसको पकड़ेंगे तो मान लीजिए इसको वन या एक, हिंदी देखिए भैया, एक हाई रनिंग हो गया, ये दो हाई हो गया, तीन देखिए हाई रनिंग है ना, हाई रनिंग, ये रनिंग वाला तार मेरा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से पकड़ा हूँ इसको, मान लीजिए कनेक्शन, ठीक है ना, ये हो गया कनेक्शन, यहाँ सप्लाई देंगे रनिंग का। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया एक, ये दो, ये तीन, यहाँ पे इसका कनेक्शन इसमें होगा। देखिए इसको यहाँ पे बांधा जाएगा। अभी एक हाथ से भाई वीडियो बना रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम होगा ही, तो आप समझ जाइएगा। अभी मैं इसको कर रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों इसमें बंध गया है। अब देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये रनिंग का कनेक्शन हो गया है। अब बचा, देखिए ये दो तार हो गया ना रनिंग का, दो तार रनिंग का दो तार हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग का, देखिए दोस्तों कनेक्शन, देखिए स्टार्टिंग में भी मतलब चार वायर होना चाहिए, दो देखिए, दो इसका हो गया, दो इस सेट का हो गया और दो इस सेट का हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर मैं पकड़ूंगा, देखिए इधर से अगर पकड़ रहे हैं रनिंग का एक तार स्टार्टिंग है, सॉरी स्टार्टिंग, यहाँ से अगर सप्लाई दिया जाएगा तो यहाँ पर आएगा यहाँ पे, तो इसको हो गया देखिए एक, इसको गिनेंगे दो, ये हो गया तीन, तो इसका इसमें ज्वाइंट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। कनेक्शन कोई भी मोटर हो दोस्त भाई, जो भी देख रहे हैं भैया,
कनेक्शन एक से तीन सब होगा, सब एक से तीन ही होगा। ये है सीरीज और पैरेलल जो होता है कनेक्शन उसका ही अलग होगा भाई। तो ये सीरीज नहीं पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं इसको, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। तो दोस्तों देखिए ये हो गया कनेक्शन एक, ये हो गया मतलब एक इसको कनेक्शन का काट के इसमें अंदर ही इसको बांध दिया जाएगा। अब ये हो गया रनिंग का दो, इधर एक इधर एक, ये हो गया स्टार्टिंग का दोस्त एक, ये स्टार्टिंग का दूसरा, ठीक है ना। तो चार तार हो गया मेरा। अब इसी में मैं बताऊंगा आपको किस किस वायर को एक साथ जोड़ दिया जाए कि कामन बन जाए और सीधा ही चले। तो दोस्तों इस वीडियो बने रहिए, पूरा हम बताएंगे आपको। हाँ दोस्तों देखिए ये मेरा जो है सारा कोयल के कनेक्शन हो भी चुका है। अभी मैं इसको माचिस के तीली से जलाऊंगा, उसके बाद इस कनेक्शन फिर देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए मैं इसको माचिस से जला रहा हूँ, मतलब मोमबत्ती से जला के इसको जलाया जा रहा है। देखिए दोस्तों ऐसे ही जलाया जाता है, आप भी जला सकते हैं या रेगमार से इसको साफ़ कर दीजिए। जलाने से पूरे अच्छे से तरीके से साफ़ हो जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से सब हमें जला चुके हैं पहले से ही। हाँ दोस्तों देखिए अभी मैं इसको वायर को सील के फिर लगाते हैं। हाँ दोस्तों देखिए मेरा वायर सब एकदम मतलब साफ़ हो गया है अभी एकदम सही से। अब इसको मैं इसमें डाल दिया जाएगा, इसके ऊपर से दूसरा स्लिप डाल दिया जाएगा, उससे मोटा थोड़ा डाला जाता है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपका बहुत आभारी हूँ। और कोई भी वीडियो आप किसी का भी देखिए दोस्तों, अगर उससे आपको कुछ सीख मिल रहा है तो उसके लिए भी कुछ आपको करना चाहिए। तो इतना ही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, कमेंट करके कोई भी मोटर से संबंधित जानकारी हमें हमसे ले सकते हैं दोस्तों। आप कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, टाइम निकाल के बनाऊँगा दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए ये अंत में मैं जो भी ये बता रहा हूँ दोस्तों, इसको बहुत गौर या दिमाग या ध्यान से सुनिएगा मेरे बातें को। देखिए दोस्तों अगर ये मेरे मतलब बाएं है, अगर जिधर भी खड़ा होंगे आप देखिए, रनिंग कॉयल है सेट है, ये भी रनिंग का दूसरा है। अगर ये देखिए रनिंग का ये बाया मैं पकड़ा हूँ दोस्तों, ये हो गया मेरा बाया, ये हो गया दाया, मतलब कोई भी देखिए दो इधर रनिंग मतलब रनिंग स्टार्टिंग एक है और दो इधर रनिंग स्टार्टिंग। अगर दोस्तों देखिए इस मैं बाया को अगर इसमें बाया में कर देता हूँ कनेक्शन, एक कामन मतलब रनिंग स्टार्टिंग है, ये है कामन तो हो ही जाएगा, मगर ये कब सीधा चलेगा मतलब सीधा ही कब चलेगा। इसको कनेक्शन अगर करेंगे दोस्तों जैसे हम कर रहे हैं, मतलब बाया बाया जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों इस साइड के दोनों अगर जोड़ रहे हैं, इसको कामन तो होगा ही, ये सीधा कब चलेगा ये दोस्तों। अगर कनेक्शन देखिए ये मोटर जो है दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों देखिए ये अगर तार ये है, अगर पीछे पंखी के साइड निकला है तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये वाला कनेक्शन नहीं चलेगा। ये दोस्तों देखिए अगर यहाँ कोने पे निकला है कनेक्शन, आगे आगे की साइड निकलेगा। तो देखिए देखिए ये दोस्तों देखिए इधर मैं कनेक्शन, अगर ये आगे की साइड निकलेगा ये कनेक्शन चलेगा, ये कनेक्शन सीधा ही चलेगा। लेकिन दोस्तों देखिए मेरा कनेक्शन जो है पीछे की साइड है, तो पीछे के लिए दोस्तों ये वाला ये दोनों एक एक बाया एक दाया काम, मतलब बाया का रनिंग और स्टार्टिंग में दाएं साइड की, इसको दोनों का जोड़ देंगे दोस्तों कि हो जाएगा कामन और सीधा चलेगा कनेक्शन। जब पीछे रहेगा तो दोस्तों देखिए जब कनेक्शन पीछे रहे तो रनिंग का एक बाया स्टार्टिंग का दाया, इसको दो ये दाया बाया मत समझ ना आए दोस्तों। देखिए इधर वाला इस साइड के काम इसको जोड़ देंगे, कनेक्शन पीछे निकलेगा जैसे इस प्रकार है दोस्तों। देखिए तो इसी प्रकार से होता है कनेक्शन दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।